नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे अरवी की सब्ज़ी बन के रखा है, इसी तरह से अरवी सब्जी आज हम बनाने चल रहे हैं अपने किचन में। तो अरवी की सब्ज़ी आज फ्राई वाला हम बनाएंगे, जैसे अरवी फ्राई होता है उसको बनाने चल रहे हैं अपने किचन में। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारी लाइक कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि अब हम प्याज लिए हैं, दो प्याज बारी हुए काट लिए हैं। यहाँ पे टमाटर हमारा है, अरवी पत्ता है, सॉरी अरवी लिए हैं। यहाँ पे अरवी हमारा पावर है। यहाँ पे देख रहे हैं, तीन पीस टमाटर हमने लिए हैं, लहसुन के छिलके उतार दिए हैं। हमारा दो पीस बड़े साइज में लहसुन था तो उसके छिलके उतार लिए हैं। धनिया पत्ती बारी हुई काट लिए हैं, अदरक को छील लिए हैं। तो हम अरवी को अब छील रहे हैं अच्छे से। तो दोस्तों, जैसे देख रहे हैं कि अरवी के पत्ते, जैसे सब्जी बनाने में हम यहाँ पे प्याज और अदरक और टमाटर और लहसुन को पेस्ट बना लेंगे पीस के मिक्सर में। तो अरवी की सब्ज़ी इस तरह से बनाने में बहुत टेस्टी होता है। तो हम अरवी को छिलके उतार ले रहे हैं अब। तो इसी तरह से सारे अरवी को छिलके उतार लेंगे। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे अरवी के छिलके इसी तरह से हम सारे उतार ले रहे हैं अपने। तो अरवी के छिलके बहुत आसानी से निकल जाता है। तो अरवी हमारा छिला गया है तो उसको हमने धो लिए हैं। अरवी धो के काटना चाहिए, नहीं तो अरवी में लस्सी टाइप में निकलने लगता है। देखिए, हम अरवी को धोकर छिल रहे हैं, काटे हैं। अरवी को काट के धोने पे जैसे देखते हैं कि लासी टाइप में निकलने लगता है, अरवी की सब्जी अच्छी नहीं होता है। तो एकदम अरवी को हम बारी हुई काट रहे हैं। अब अरवी हमारा कटा गया है, देख रहे हैं कट के यहाँ पे रखा गया है। तो अब हम चल रहे हैं बनाने के लिए इसको। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे हम लहसुन अदरक को पेस्ट बना लिए हैं, प्याज को, ये टमाटर को भी पीस के पेस्ट बना लिए हैं। यहाँ पे कढ़ाई में जैसे देख रहे हैं, हमने पहले अरवी को हम भूज कर निकाल लेंगे अच्छे से। अरवी को छान कर निकाल कर तब हम इसको बनाएंगे अच्छे से। आप अरवी को नहीं इस तरह से छानना चाहते हैं तो आप उस तरह भी पहले तेल में फ़ौरन डालकर और उसके बाद अरवी डालकर पहले भूज लीजिए, तब इसके बाद मसाला डालिए आप। तो हम पहले फ्राई अरवी बना रहे हैं, तो इसको पहले अच्छे से भून ले रहे हैं। इस तरह से सब्ज़ी बहुत टेस्टी होता है। तो अब इसमें हम अरवी को निकाल ले रहे हैं, भुजा गया हमारा अरवी। तो प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो जैसे देख रहे हैं कि हम निकाल लिए इसको अब यहाँ पे। तो बहुत अच्छे हमारा कलर भी आ गया है भून कर इसको। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, माखन भी हम इसमें डाल दे रहे हैं, उसको भी हल्के से भून के निकाल ले रहे हैं। इसको लावा भी बोला जाता है। तो इसको भून के हम निकाल लिए। तो अब इसमें हम फ़ौरन डालेंगे पहले। तो देखिए, सब हमारा भुजा के में अच्छे से रख दिए हैं, तो इसका भाप निकल जाने दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, पचफ़ोरन डालेंगे हम। तो कढ़ाई हमारा गरम है, तो इसी में हम पचफ़ोरन डाल दे रहे हैं। पचफ़ोरन डालकर तेजपात भी दो तीन डाल दे रहे हैं। हींग को भी डाल दे रहे हैं आधे चम्मच। तो आधे चम्मच हींग को भी इसी में हम डाल दिए। तो अब इसमें जैसे देख रहे हैं कि हम चार पांच पीस इलायची भी डालेंगे। आपको लौंग पसंद हो तो लौंग भी डाल सकते हैं। इस तरह से तड़के देने पे बहुत टेस्टी होता है सब्जियाँ। तो हमारा भुना गया है, तो इसमें जैसे देख रहे हैं हम इलायची भी डाल दे रहे हैं। तो इलायची हमको ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। प्याज का पेस्ट इसमें डालकर हम भूनेंगे इसको भी। तो प्याज का पेस्ट हमारा पड़ गया है, तो इसको अच्छे से हम भून ले रहे हैं पहले। इसको हम स्लो आंच पे एक दो मिनट तक भूजेंगे। टमाटर के भी पेस्ट को इसी में डालकर भून लेंगे। इन सभी को एक साथ में डाल के हम अच्छे से भून लेंगे पहले। तो जैसे देखते हैं, अरवी फ्राई इस तरह से किया जाता है। यहाँ पे आधे चम्मच हमने हल्दी ले ले रहे हैं, एक चम्मच मसाला लिए थे। इन सबको जैसे देखते हैं, पानी में भिगो के मसाले को डालने पे बहुत टेस्ट है, बढ़िया हो जाता है, मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है। आधे छोटे चम्मच से इलायची हमने
मिर्चा पाउडर ले लिए हैं। तो अब पानी में हम इसको भिगो दे रहे हैं मसाले को, मसाला अच्छा से हमारा फूल जाएगा। इधर जैसे देख रहे हैं हमारा प्याज अच्छे से टमाटर भुना गया है इसमें पेस्ट। यहाँ पे मसाला हम डालकर अच्छे से भुनेंगे हम। तो अच्छे से मसाला को हम भून ले रहे हैं। तो जैसे देख रहे हैं कितनी अच्छा हमारा मसाला के भी कलर आ गया भुना रहा है। तो इसमें हम पानी अपने स्वाद के अनुसार से पानी इसमें जैसे देखते हैं आप कम बेसी करके डाल सकते हैं। तो हम इसमें बड़े सा कप से 1 कप पानी डाले हैं। अब झोल हमारा उबाल जब तक आएगा तब तक किसी तरह से छोड़ दे रहे हैं। नमक अपने स्वाद अनुसार से डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें और लाल घंटी दबाना न भूलें। आप लाल बटन को ज़रूर दबाएँ। तो देखिए इसी में हम डालकर इस तरह से छोड़ दे रहे हैं। अब अच्छे से हमारा भुना गया है। तो अब जैसे इसको हम झोल को साथ में पकाएंगे डालकर अच्छे से पूरे। तो अच्छे से आपको 5 मिनट तक पकाना है। जब आपका अरुई मिजाने लगता है तो आप इसको बंद कर दीजिए गैस को। अब इसमें लावा भी हम इसके साथ में डाल दे रहे हैं। लावा भी डाल दिए हम। कितनी अच्छा हमारा सब्जी बन के तैयार हो गया है। धनिया पत्ती भी हम इसके ऊपर से डाल देंगे। सारे लावा इसके ऊपर से हम डाल दिए। तो लावा अरुई के सब्जी में डालने से बहुत स्वादिष्ट होता है फ्राई करने पे। तो धनिया पत्ती भी हम इसमें डाल दिए। तो सारी चीज़ हमारा पड़ गया है। तो देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हो गया हमारा। बहुत अच्छा देखने पर सब्जी हमारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारे लाइक कीजिए। फिर हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।